सो आइए कुछ देर ये बात कर लेते हैं कि जो ये नेट का अभी एक तो एग्जाम आपका चेंज होने वाला है पूरी तरह से, कि नेट का पैटर्न पूरा बदल जाएगा, और उस बदले हुए पैटर्न में आपको नेट के साथ करना क्या है? क्योंकि एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये कि अनयूजुअल टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बड़े शानदार शानदार लोगों के सिलेक्शन हुए हैं इस बार, और एक अच्छी सी खुशी की बात कि कई सारे मेरे YouTube यूजर जो व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली मुझे अटेंड करते हैं, उनमें से कई लोगों का सिलेक्शन हो गया, एंड दे सिंपली सेंड मी थैंक यू। वो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं है, फॉर्मली मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फॉर्मली बोला है मैंने, इनफॉर्मली तो ऑब्वियसली मे बी आई मे बी कम्युनिकेटिंग समथिंग टू यू, बट वेन यू गिव थैंक यू टू एन अननोन पर्सन, ऑब्वियसली मैं अननोन पर्सन टू यू, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इट गिव्स ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। सच तो यही है, काफी सारे यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला भेजा है कि आपने वो जो लास्ट डेज के सेशन लिए थे वो काफी हेल्पफुल रहे एंड ऑल दिस, तो ठीक है, अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जो थोड़ा ज्यादा शेयर कर दीजिए जितना हो सके आपके फेसबुक के ऊपर, क्या पता किसको कब कौन सी अच्छी बात लग जाए, इवन वी डोंट नो। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो सीएसआर नेट में कई सारे सवाल लोगों के होते हैं कि सर सेक्शन बी में हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, सेक्शन सी की तैयारी कैसे करें, और सबसे खतरनाक सवाल होता है कि क्या पूरा सिलेबस करना चाहिए क्या। ये तीन मेजर सवाल होते हैं जिस पर लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। सो बड़ा आसान सा सवाल है, जैसे चिरंजीवी वॉज आस्किंग कि वट शुड बी द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर सी एस आर नेट दिसंबर 2019, जो हम लोग बात करेंगे। चिरंजीवी, सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल तैयारी चाहिए तो आंसर इज नो। एक गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ये ओनली अगर आपने लगा दिया कि नीट की तैयारी के भरोसे आप सेक्शन बी निकाल जाओगे तो प्लीज इस गलतफहमी मत रहना, ऐसा नहीं होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट आप इस एग्जाम की थोड़ी सी रेस्पेक्ट कीजिए कि पीजी लेवल का एग्जाम है तो कुछ तो इसमें आपका होगा, कोई तो इस बेचारे का लेवल रखना चाहिए। ठीक है, काफी सारे मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि ये वीडियो नहीं चल रहा है, मेरे तो चल रहा है। अगर इस वक्त आप लाइव पे हैं और पेज के ऊपर देख रहे हैं आधार इंस्टीट्यूट के पेज के ऊपर, तो हो सकता है पॉसिबल ना हो। चलिए, वसीम शाह जॉइन एंड दिगंबर जगदीप, आशीष दीक्षित दास, इट इज पी बेलॉक बैक, इसकी फुल फॉर्म को जरा देख लीजिए, पी बेलो, ये मैं लिख दूं आपके लिए, जो आप पूछ रहे हैं इट इज द पी बेलो बैक वेक्टर।
याद करने का बहुत आसान सी चीज है, इस बैक को बीएसी करके आप ध्यान रख लीजिए. दिस द वेक्टर्स बेस्ड ऑन द प्लाज्मिड एज वेल एज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यूजुअली बड़ी चीजों को क्लोन करने के लिए इस्तेमाल होता है पी ब्लैक, क्या बोलेंगे इसका, पी बेलो बैक वेक्टर्स. मैपिंग में इसका मेजर पर्पज है इसका, और इसके अंदर मजे की बात है कॉस साइट्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी लॉक्स पी साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो पी बेलो बैक 11 है. लिखने का तरीका थोड़ा सा आप ठीक कर लें इसको, लिखने का तरीका प्लाज्मिड इट इज बी ई एल ओ और फिर बैक और पूरा नाम है इसका 11, पी बेलो बैक 11 वेक्टर. ठीक है, तो क्लोनिंग पर्पज के लिए मेनली इसको डिजाइन किया जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, इसमें साइट्स होती है और यूजुअली इसको सिंगल कॉपी नंबर के सेंस में रखा जाता है सारा का सारा, ये जो पी बेलो बैक वेक्टर होता है. ठीक है, थोड़े से और प्रश्न ले लूं मैं. हाय आस्था सराफ, हाउ आर यू, इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. डू आस्क योर क्वेश्चंस, चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं आगे. Somebody asked questions, तो मैंने इसको रोक लिया था सेशन को. तो कहानी ये कि अगर आप सेक्शन बी पर काम कर रहे हैं तो ये जो मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, क्योंकि ये हमेशा धोखा देने वाली होती है. कई बार तो ये ऐसा लगता है कि इससे कुछ हो जाएगा. नीट की प्रिपरेशन आपको सिर्फ एक जगह पर मदद करेगी, और वो है कि आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्किल्स हैं या हमें पढ़ना कैसे होता है वो आपका डेवलप होता है. तो अगर आपको लगता है कि आपको एमसीक्यूज देख के बड़ी घबराहट होती है, या आपको लगता है कि एमसीक्यूज देखने के बाद आप उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको नीट के जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, जो बुक्स होती हैं, वो वाली चीजें आप अटेंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन नॉलेज के लेवल पर अगर आप जाओगे तो प्लीज इस नॉलेज से आपको ऊपर उठना पड़ेगा. ऑल्दो मैं इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि कई बार जो नीट के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें अपने सेक्शन बी में, पर वो जो क्वेश्चन होगा वो 70 में से एक या दो क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, और वो भी यूजुअली वो बायोडायवर्सिटी या इवोल्यूशन टाइप का. आप उस पर इतना रिलाय ना करें, वो हो जाता है क्योंकि नॉलेज का कोई क्लास नहीं होती, नॉलेज का कोई लेवल नहीं होता कि भाई एमएससी की क्लास की नॉलेज ये है और ट्वेल्थ की नॉलेज ये है. कई बार ट्वेल्थ की नॉलेज एमएससी में काम आ जाती है. जैसे कि कई बार मुझे बच्चे आते हैं कि सर हमने ना एमएससी में जो मेडिकल एंट्रेंस की जो एलएन वगैरह की शीट्स होती हैं उसको पढ़ के जाके दिया है, बॉटनी जूलॉजी वाले. तो कई लोग ऐसा करते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है. वो वहां तो अच्छा लगता है जो आपका एमएससी वगैरह का एग्जाम है, बट यहाँ ठीक नहीं लगता है, यहाँ आप ऐसा रिस्क न लें. ठीक है, बाकी मेन चीज आपको सेक्शन बी पर जाएंगे आप मेरे साथ, तो सेक्शन बी की अगर आप उससे बात करोगे तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि यू शुड प्रिपेयर समथिंग अबाउट एवरीथिंग. ये होती है सेक्शन बी की स्ट्रेटजी. अगर यही चीज मैं आपसे सेक्शन सी के बारे में कहूंगा तो आप कह देना कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग. और यहां समथिंग के लिए आप कह सकते हो कि दिस समथिंग कैन बी एनी 5 or 6 यूनिट्स. लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको सेक्शन सी में मदद करेगी, अगेन प्रोवाइडेड आपकी किस्मत अच्छी हो कि ये जो 5 से 6 यूनिट में सवाल किए जा रहे हैं एवरीथिंग वाले वो आपको सारे के सारे आते हों. अगर आप कहीं भी जरा सा भी चूके तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है. तो यूजुअली ये जो आपकी 13 यूनिट वाली प्रिपरेशन है, ये वाली, ये आपको इस जगह पर मदद कर देगी. यहाँ पर इट कैन हेल्प यू, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है. फिर अगली चीज आने वाली है आपकी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए वैसे तो आधार इंस्टीट्यूट की हमारी जो आई गुरु जी के ऊपर ऐप चल रही है उसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कर रखी है जो काफी अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस दे सकता है ओवरऑल. ठीक है, बट मैं कहूंगा कि आप एक तो आदत जो अब तक की थी हमारी कि हम जब तक अंडरलाइन नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये यूजुअली आदत होती है लोगों की, कीप ऑन एनसर्कलिंग द इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट और क्या फॉल्स,
इसको आपको एनसर्कल करने की आदत है, पढ़ते हुए आपको, मैंने खुद ने इवन सिखाया, आई डू एडमिट, पिछले सेशन तक मैं खुद कहता था कि आप अपने पेन को चलाते जाओ, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर पेन को चलाते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अब जो एग्जाम होगा, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है जैसा कि नोटिफिकेशन गया था, तो अगर ये एग्जाम हो रहा है तो अब आपके पास पेन चलाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू कैन नॉट लाइक यूज योर पेन। तो आदत डाल लें कि अब आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें और उसकी चॉइसेस को पढ़ें, बिना पेन चलाए आपको वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एकमात्र डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे आप अपना आंसर को कई बार चेंज कर सकते हो, इसमें लॉक नहीं होगा। अपने वो राइटिंग वाले में तो क्या होता था, आपने आंसर गलत कर दिया और की में अगर भर दिया तो फिर भर दिया तो भर दिया, फिर उसमें तरीके निकालते रहो कि कैसे खुरचोगे उसको और कैसे खुरच के उसको हटाओगे और फिर करोगे, एंड देर आर मेनी थिंग्स। तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर बेस्ड आपको मदद करेगा। एक और बढ़िया फायदा ये होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड का, एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन नजर आएगा और आपकी भाषा का क्वेश्चन नजर आएगा, जो आप भाषा देखना चाहते हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। मेरे ख्याल से जो हमारी इवन ऐप के अंदर भी है, ऊपर की तरफ हिंदी और इंग्लिश वाला ऑप्शन होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहो तो प्रेस करते हिंदी आए, और जब इंग्लिश में देखना चाहो तो प्रेस करते इंग्लिश आए, वो मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस यू मे हैव, हो सकता है। Those who are on my this page, please just press a like और पेज को लाइक कर लीजिए, जिसके आप जिससे आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली मिल जाए समय पर। क्योंकि अगले कुछ दिनों में फेसबुक पे लगाता रहने वाला हूं, मैं यूट्यूब कुछ दिनों के लिए नहीं यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग दिस फेसबुक। Do ask questions if you are having. कोई भी जो प्रश्न आप पूछना चाहें, अमन अग्रवाल एंड युवराज सिंह माही, आस्था सरा, दिगंबर जगताप, वसीम शाह, I think you are from UP. Hi Ankit, how are you? श्रेयोसी बसु, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। आई हैव गिवन द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे थे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड थिंग, जो हम लोग अब बात करेंगे वो होगा एक्चुअली एक और चेंज अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एमएससी एंट्रेंसेस फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स, वन इज द आईआईटी जाम बीएल एंड वन वॉज बीटी। IITs ने इस वाले एग्जाम को स्क्रैप कर दिया है, देर विल बी ओनली IIT जब बीटी। और इससे अभी तक जो उनका नोटिफिकेशन है वो ये कि IIT मुंबई, शायद बॉम्बे बोलते हैं इसको, IIT रुड़की और IIT इंदौर, और उसके अलावा IIT खड़गपुर, इन चार जगहों पर ये लोग एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, ISC के लिए मे बी पॉसिबल, जो पुराना तरीका था जिस तरीके से ये लोग पहले लिया करते थे, या तो इंटीग्रेटेड PhD फॉर ISC एंट्रेंस होगा, या हो सकता है इस बार से ये IIT का जो एडमिशन है वो TIFR एंट्रेंस के थ्रू हो, जिसको हम JGBBA बोलते हैं। सो इट इज पॉसिबल, तो आप लोगों को दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए जो MSc एंट्रेंस के बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अमन अग्रवाल, कट ऑफ के लिए मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कट ऑफ कम गई है, जबकि हमें लग रहा था कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। और इवन जो हाईएस्ट नंबर है, क्योंकि हमारे यहाँ से आधार से मिस्टर अभिषेक हैं, उनके 138 मार्क्स पर उनको फिफ्थ रैंक आ रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ, फिफ्थ रैंक है उनका ऑल इंडिया,
और हमारे यहाँ जो 72nd रैंक पर JRF क्वालिफाई हुआ है उनके मार्क्स 105 और 108 के बीच में कहीं थे। मेरे ख्याल से नंबर बहुत ज्यादा नहीं बदले होंगे आपके नेट की जो की हमने बनाई थी और CSIR की आई थी, तो दो तीन जगहों पर हमने ऑब्जेक्शन लगाए भी थे, बट आफ्टर ऑल आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। खैर एक दो दिन में अभी आपका आ ही जाएगा मार्क्स स्टेटमेंट, वहां से आ जाएगा तो घबराने वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जस्ट गो अहेड एक बार और तैयारी कीजिए इसकी वापस से। हाँ तो हम जो बात कर रहे थे वो IIT-JAM BT के संबंध में, तो जो बच्चे ये वाला एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा पूरी की पूरी बातों के लिए, क्योंकि इस बार ये जो अगर मामला होता है, से फॉर एग्जाम्पल ये हमने बात कर ली है, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑन द PCMB। बी आपका भला कभी नहीं करेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, बीइंग ए बायोलॉजी टीचर मुझे पता है कि बी से भला नहीं होता। बायोलॉजी सिर्फ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देगी, आपको क्वालिफाई करा देगी, अगर आपको रैंक लेके आनी है तो PCM तैयार करना ही पड़ेगा IIT-JAM BT के लिए। P, C, M और B में से इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। B जितना भी तैयार कर लो, अगर सपोज 50 मार्क्स का B आता है मान लेते हैं, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं 30 to 35, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करके दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं करवा रहे। सेलेक्ट अगर आपको होना है तो यू नीड टू अटेम्प्ट द पी सी एटलीस्ट इन अ वेरी गुड मैनर। अगर ये 30% में मान लो तो आपको कम से कम 15% मार्क्स आने होंगे, और 30 + 15 आपके होते हैं 45। अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एम के आपको कम से कम 5 नंबर लाने होंगे तब जाके आप 45 + 5 पर पहुंचोगे, एंड दैट इज व्हाट इज योर सिलेक्शन। कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है कि अगर आपके 50 में से 45 नंबर आ जाए, और मैं ऐसे चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। मुझे पता है मैं प्रैक्टिकल हूं, क्योंकि सच यही है, इस दुनिया में कोई कितना भी पढ़ ले, मेरे पास भाई एवरेज बच्चे आते हैं, कोई सुपर जीनियस कोई नहीं होता, और कोई सुपर जीनियस है तो ऑब्वियसली मेरे पास नहीं आएगा, वो अपने आप तैयारी कर रहा होगा, या कोई सुपर जीनियस रहा होगा तो वो मेडिकल एंट्रेंस में सेलेक्ट हो चुका होगा, वो IIT-JAM नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल बच्चा है इसलिए वो IIT-JAM कर रहा है। ये थोड़े से बिटर फैक्ट्स है जिनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बहुत रेयर होता है कि कोई सुपर जीनियस मेडिकल को छोड़ के MBBS को छोड़ के IIT-JAM का एग्जाम दे रहा हो, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। खैर विल बी फोकसिंग अगेन ऑन द नेट, मेरे ख्याल से IIT-JAM के कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं इस वक्त लाइव सेशन में। अगर कोई पर्टिकुलर जवाब आपका बाद में रह जाता है, और ये मेरा वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो, तो यू जस्ट सेंड योर क्वेरी ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर ऑफ माइन, दैट इज 9314503070, आप इस नंबर पर जरूर भेज दीजिए। आशीष दीक्षित, इट इज जक्सटाक्राइन सिग्नलिंग यू आर आस्किंग। आशीष याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ये आप हो सुंदर से, अगर आप खुद से बातें करते हो या अपने आजू बाजू वालों से बातें करते हो, बातें कर रहे हो आप ठीक है, या आप किसी के कान में जाके कुछ कह देते हो, आपने उसके कान में जाके कुछ कह दिया और यहां बोला है आपने कुछ, या आपने बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर कुछ कहा है और इतनी जोर से कहा है कि आपके पड़ोसी भी सुन रहे हैं, ये सारे के सारे पड़ोसी इस आवाज को सुन रहे हैं, और चौथा आपने आपके उस मित्र से छूकर बात की है। ये 5 तरीके होते हैं सिग्नलिंग के, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। दिस वन इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, द टू इज पैराक्राइन सिग्नलिंग, दिस थ्री इज न्यूरोक्राइन या सिनेप्टोक्राइन, सिनेप्टोक्राइन, दिस इज योर एंडोक्राइन, एंड दिस फाइव इज जक्स्टाक्राइन जो आप मुझसे पूछ रहे हो।
यहाँ आपको सेल का टच का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल टू सेल्स कम क्लोजर, वेरी मच क्लोजर टू इच अदर, और फिर वो सिग्नलिंग शुरू होती है। यूजुअली इस तरह की जो पांचवें नंबर की सिग्नलिंग है आपके डेवलपमेंटल के डेवलपमेंट के दौरान में होती है मेनली, वहां इस तरह का कुछ नजर आता है। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, जो आप जानना चाहें मुझसे। So, okay, guys, if you don't have any questions, I'll be taking the leave. Kal hum log wapis Facebook pe hi milenge. So, I'll be taking my daily sessions on the Facebook. So, whosoever want to like attend, just send your queries on your my WhatsApp number, which I had given to you over here. I'll be just taking your problems in my live session and giving as much as answer I can. Thank you very much, guys.